दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बटर खिचड़ी की रेसिपी बता रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बटर खिचड़ी बनेगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बटर खिचड़ी बनाना सिखाएंगे हम आज आपको। हमारे वीडियो का अंत तक देखना, बहुत सारे सीक्रेट बताएंगे कि कैसे टेस्टी और स्वादिष्ट बटर खिचड़ी आप बना सकते हो। तो चलो आइए ऐसी टेस्टी और स्वादिष्ट बटर खिचड़ी बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 2 से 3 हरी मिर्ची को चॉप किया है, टमाटर और प्याज को बारीक बारीक चॉप किया इस तरह से, और एक बाउल हमने चावल लिए जो पहले से ही उबाल के तैयार रखे हुए थे। ये देखिए इस टाइप से एक बाउल चावल उबाल रखे हमने, और दाल तुअर की दाल, अरहर की दाल कुकर में 2 सीटी लगा के उबाल रखी है। जितनी अपने हमको लगेगी उतनी यूज़ कर लेंगे। ये देखिए फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद ऑयल ऐड कर देंगे। ये देखिए ऑयल ऐड किया है, ऑयल में थोड़ा सा बटर, अमूल का बटर मिक्स करके रखेंगे। अमूल का बटर इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से ऑयल में। ये देखिए ऑयल गर्म होने के बाद जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी राई ऐड करेंगे, सबको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हरी मिर्ची ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करने के बाद प्याज ऐड कर दिया, उसके बाद टमाटर, सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। फ्राई होने के बाद हल्का सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक जितना अपने को लगे उतना ही सभी मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। हल्का सा पानी ऐड कर देंगे, पानी ऐड करके मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये सभी मसालों को पानी ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक हमारा मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता है। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया, इससे पता चलता है कि हमारा मसाला पक चुका है। मसाला पकने के बाद हम दाल ऐड करेंगे। ये देखिए दाल ऐड कर दी अच्छे से। दाल को 1 से 2 मिनट तक मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी दाल को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से उबाल देंगे। ये देखिए हमने राइस ऐड कर दिया है इसमें। राइस ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। आज हम आपको बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बटर खिचड़ी की रेसिपी बता रहे हैं। उसके बाद धनिया ऐड कर देंगे, एवरेस्ट का किचन किंग किचन मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला, थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर देंगे। इससे हमारी खिचड़ी चटपटी बन जाएगी और अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए मैगी मसाला ऐड कर दिया था। ये देखिए इस टाइप से हमारी बटर खिचड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हुई है। ये देखिए दोस्तों हमारी बटर खिचड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हुई है। इसी रेसिपी से आप बटर खिचड़ी बनाइए, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने बटर खिचड़ी आपको बनाना सिखाई है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, रोज़ नए नए वीडियो देखना। धन्यवाद।